that what is the process of meditation. अब जो हमारी जो meditation है ये थोड़ी process different है compared to normally जो हम करते हैं, जहाँ पर हमें still होना होता है and we have to still our mind, breath, etc. Basically, in this process of meditation, what we do is, it's a gyan yoga means that in awareness we release the negative beliefs which are settled within us, and that is also a very good way of doing it. आप अगर कोई भी aspect का you see all the dimensions of it first and you are ready. See, if you are not ready, वो नहीं जाएगा. आप कहोगे नो नो आई वॉन्ट टू क्लिंग टू सेल्फ डाउट, इफ आई जज माई सेल्फ आई बिकम अ बेटर पर्सन. आपको ये रॉन्ग कंसेप्शन है कि मैं खुद को जज करूंगा तभी मैं बेटर पर्सन बन पाऊंगा. तो अगर आप वो रिलीज नहीं करना चाहते या यू हैव गॉट सेल्फ डाउट, तब तो वो रिलीज नहीं होगा, वो जाएगा और वापस आएगा. तभी आई स्पीक एलैबोरेटली ऑन व्हाई यू शुड रिलीज इट, बिकॉज सेल्फ डाउट को self doubt doesn't help you in any way. It is not going to help you. Today you are destined to be a better person. Better person means you are destined to be better in your doing, thinking, in your sensory actions, in your interactions. This is what is your destiny. आपका being कभी बदलता ही नहीं है, आपका being हमेशा same रहता है. So understand that self-doubt is not going to do anything positive to you. So that is why you have to first know the complete aspect कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, am I ready for that? और जब आप पूरे ready होते हो तो जब आप meditation में आप बोलते हो I am ready to leave it, I am ready to release it, it actually goes away and it never comes back. It is only a one-time meditation. It is not something जिसको आपको बार बार करना पड़ता. बार बार क्यों कोई चीज़ को करनी पड़ती है? बिकॉज वो चीज़ का हमें फल नहीं मिलता है, तो हमें डीपली करना पड़ता है टिल वी बिकम परफेक्ट. पर ये मेडिटेशन को इफ यू डू इट विद फुल अटेंशन, विद फुल अवेयरनेस, यू जस्ट नीड टू डू इट वंस. सो एनीबडी वुड लाइक टू शेयर दैट व्हाट वाज देयर एक्सपीरियंस व्हेन दे डिड दिस? यू फेल्ट लाइट, नो एक्चुअली वो निकल गया है ईगो, आपको रियलाइज ही नहीं होगा, बट यू स्टार्ट फीलिंग इन एवरी डे दैट आई एम फीलिंग बेटर, आई एम फीलिंग बेटर. एंड एक्चुअली इफ यू हैव सरेंडर्ड योर एबिलिटी, नो यू विल बी सरप्राइज, यू विल नॉट डाउट योर सेल्फ आफ्टर दिस. यू डोंट हैव टू डू इट. आप खुद देखोगे कोई प्रॉब्लम आई है, मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा इसके बारे में नेक्स्ट टाइम क्या करूँ, यू आर नॉट इन द पिक्चर, बट यू हैव टू सरेंडर योर एबिलिटी इन फुल अवेयरनेस. आप एक बार सरेंडर कर दो कि आई नो आई वॉन्ट टू सरेंडर दिस एबिलिटी, उसके बाद आप ट्राई नहीं करोगे, यू कांट सेट डाउन. दैट इज व्हाई वी मेक यू सरेंडर इट. थोड़ा हैवीनेस लग रहा था, हैवीनेस आई वाज फीलिंग लिटिल बिट हैवी एज आई मेडिटेटिंग. ओके, सो आई वाज एबल टू रिलीज द बोल बोल के, बट आई वाज फीलिंग लिटिल बिट हैवीयर. मेबी वी फील हैवी क्योंकि हो सकता है जो ईगो है वो कह रहा है यू मैं तेरा साथी रहा हूँ कितने साल से, क्यों मुझे भगा रहा है, क्यों मुझे हटा रहा है. देखो समझिए कि स्वाभिष्ठान चक्र में ना एक्चुअली सोल नहीं रहता, सोल का ईगो रहता है. हमारे जो बॉडी के चक्र हैं हर चक्र में एक्चुअली ईगो रहता है. सिंपलिसिटी के लिए मी टेल यू इट इज द सीट ऑफ द सोल, इट इज द सीट ऑफ द बॉडी कॉन्शियसनेस, इफ इट इज मूलाधार. एक्चुअली इट इज द सीट ऑफ द ईगो ऑफ द बॉडी, ईगो ऑफ द सोल. ये तो जब आपने ईगो को ही वीक कर दिया, कमजोर कर दिया, एक टाइम आता है कि ईगो फिर खुद ही वॉर्टेक्स में चला जाता है. तो जैसे कुंडलिनी राइजिंग क्या होती है, जब सारे चक्र चले जाते हैं तो एनर्जी ऊपर आती है और सारे चक्रों को जला देती है. तो एक्चुअली रिलीजिंग और बैलेंसिंग अ चक्र इज एक्चुअली रिमूविंग द नेगेटिविटी ऑफ दैट चक्र विच इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द ईगो ऑफ द सोल. See, whenever we are born with a life purpose, whenever there is anything positive, a negative is always created automatically. Because this is how world functions. Light hai, so absence of light is darkness. So kabhi positive hoga, to negative hoga hi hoga.
purpose. There will be a force which opposes the life purpose within you, and that is your ego. So to realize who you are, you have to first understand who you are not. So ye purpose of realization aisa hota hai. You have to realize, I am not this, I am not this. It is the process of elimination. जैसे एडिसन से बोला गया कि आपने हजार बार लाइट बल्ब बनाया, उसके बाद जाके आप सक्सेसफुल हुए, आपको दुख नहीं होता मैंने कितना ट्राई किया? कहते नो, आई नो 1000 वेज ऑफ नॉट हाउ टू मेक अ लाइट बल्ब. तो आज एक्चुअली हम चलना कैसे सीखते हैं? हम इतनी बार गिरते हैं बचपन में कि वी रियलाइज हाउ टू नॉट फॉल. मे बी दैट इज वॉकिंग, यस और नो? हमें पता लग जाता है ऐसे करोगे तो गिरोगे, ऐसे करोगे तो गिरोगे. तो धीरे धीरे वी रियलाइज, चाहे वो साइकिल चलाना हो चाहे चलना हो, वी डोंट लर्न वॉकिंग, वी लर्न हाउ नॉट टू फॉल. सो ईगो को जब तक वी डोंट रिलीज द ईगो, वी डोंट रियलाइज हु वी आर. बिकॉज एक्चुअली हु वी आर, एक्चुअली वी आर नथिंग, एक्चुअली वी आर जस्ट एन अवेयरनेस. हम लोग एक्चुअली क्या है? जस्ट निर्गुण ब्राह्मण, वी आर जस्ट एन अवेयरनेस. Awareness means we have got actually no limits. आप सोचो, आज एक पेंटर को एक पेपर दिया गया कि भाई इसमें पेंटिंग कर लो, वो उसमें पेंटिंग करेगा. फिर वो ग्रेजुएट हुआ, उसको बड़ी सी स्क्रीन दे दी है, एक काम कर इसमें पेंटिंग कर, तो उसमें कर रहा है. फिर उसको दीवार दे दी गई है, एक काम कर पूरी दीवार तेरी पेंट कर. आप सोचो दीवार की भी बाउंड्री हटा दी, पूरा यूनिवर्स है ना पेंट करने के लिए उसको. सो अंडरस्टैंड दैट व्हेन वी बिकम नथिंग, वी बिकम एवरीथिंग. सो एक्चुअली वी आर जीरो, बिकॉज जीरो इज प्रेजेंट इन ऑल द नंबर्स. तो हम एक्चुअली सब कुछ बन जाते हैं व्हेन वी बिकम नथिंग, क्योंकि उसमें फिर लिमिटेशन ही नहीं है. पर जब हम सगुण बन के आते हैं, विद द गुण, हमें एक जग में या फ्लास्क में डाला जाता है, तो एक्चुअली हमारी लाइफ भर का एक फ्रस्ट्रेशन होता है कि व्हाई आई एम लिमिटेड, बिकॉज वी आर नॉट दैट. आज अगर आपने सुअर को कीचड़ से निकाल दिया, ही इज नॉट हैप्पी, पर वो कीचड़ में बड़ा खुश है, राइट? बिकॉज दैट इज हिज बीइंग. पर आज हम लोग वी आर एक्चुअली नॉट हैप्पी. आपको कोई भी इंसान नहीं दिखेगा जो कहेगा अब मैं बहुत खुश हूँ लाइफ में, बहुत पैसा आ गया है, बच्चे खुश हैं. हमेशा कुछ ना कुछ हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए. एक्चुअली इट इज इम्पॉसिबल टू बी शांत, क्योंकि बच्चे की शादी हो गई फिर उनके बच्चे चाहिए, उसके बाद उनका घर चाहिए. तो हमें एक्चुअली कंटिन्यूस कुछ चाहिए, बिकॉज एक्चुअली वी आर अनलिमिटेड. तो हमें जब एक फ्लास्क में डाला जाता है ना, तो वी फील वेरी कंस्ट्रिक्टेड, वी फील वेरी कंट्रोल्ड. हमें लगता है वाई वी आर बाउंड इन टू लिमिटेशन. और हमारी पूरी लाइफ में उनकी सर्च होती है हाउ कैन आई बिकम दैट अबंडेंट क्रिएटर. और हमारी लिमिटेशन क्या क्या होती है, हु विल टेल, हमारी क्या क्या लिमिटेशन होती है जिसके कारण हम सफर करते हैं? यस, एक हमें लगता है कि हमारा जो इंटेलेक्ट है वो लिमिटेड है, हमको इतना ही पता है. तो वी ट्राई टू लर्न नॉलेज, पर वो नॉलेज इतनी सारी है कि एक समय पर थक जाते हैं, ये तो इनफाइनाइट है. तो वी फील लिमिटेड इन द नॉलेज, वी फील लिमिटेड इन अवर फिजिकल बॉडी, कि मैं इतना ही कर सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ, उड़ नहीं सकता, वो नहीं कर सकता. तो वी फील लिमिटेड इन द फिजिकल बॉडी, वी फील लिमिटेड इन द स्पीच, वी फील लिमिटेड इन द डिजायर्स, वी ऑल्सो फील लिमिटेड इन टाइम, समय. हमें बहुत अंदर से एक लिमिटेशन होती है कि समय खत्म होता जा रहा है, समय खत्म होता जा रहा है, मुझे लाइफ में इतना अचीव करना है, रिटायरमेंट आ जाएगा, मुझे इतना सारा करना है. तो वी हैव सो मेनी लिमिटेशन विद इन अस, लिमिटेशन ऑफ बॉडी, लिमिटेशन ऑफ माइंड, लिमिटेशन ऑफ डिजायर, लिमिटेशन ऑफ व्हाट ऑल कैन आई डू, एंड लिमिटेशन ऑफ इवन द टाइम. पर हमारी जो हमें लिमिटेशन क्यों लगता है, बिकॉज इट इज नॉट अवर नेचुरल एनवायरमेंट. हमें क्लास में डाला गया, और जब हम एक्चुअल अपना पोटेंशियल रियलाइज करते हैं, व्हेन वी ट्रूली रियलाइज अवर पोटेंशियल, वी बिकम वन विद द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, एंड तब एक्चुअली हम सारी लिमिटेशन को तोड़ देते हैं.
हम रियलाइज करते हैं समय की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो पैदा ही नहीं हुआ था, मरूंगा कब। वी फील इनफाइनाइट, इस बर्थ में जो कर दिया अगले बर्थ में करूंगा, तो वी फील यू नो लिमिट अनलिमिटेड इन टाइम। हमें शरीर की लिमिटेशन नहीं लगती, हमें पता है कि वी कैन एक्चुअली क्रिएट एवरीथिंग। सो दिस लिमिटेशन इज बिकॉज ऑफ द बर्थ वी हैव टेकन। ओके, सो बेसिकली दिस इज हाउ यू नो यू हैव लॉस्ट योर सेल्फ एस्टीम, यू डोंट फील एप्रिशिएटेड, यू फील यू आर टेकन एडवांटेज ऑफ, यू फील दैट इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ड्यू रिवॉर्ड इज नॉट गिवन टू यू, समवन एल्स रीड्स द फ्रूट ऑफ योर लेबर और समवन एल्स इज डूइंग व्हाट यू वांटेड टू डू, इन स्पाइट ऑफ बीइंग केपेबल यू आर नॉट एबल टू सक्सीड। अंडरस्टैंड, आपका बीइंग टेंट हो गया है। जब तक आप ये चीज नहीं रियलाइज करोगे कि मैंने सबकॉन्शियसली टेंट कर लिया है एंड टुडे आई थिंक आई एम गुड बिकॉज मैं मेंटली खुद को गुड सोच रहा हूँ, बट बीइंग वाइज मेरे में कॉन्फिडेंस लो है, क्योंकि हम मेंटली अपनी डिग्री देखते हैं, अरे मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं इतना क्वालिफाइड हूँ, बट एक्चुअली इट इज योर बीइंग विच हैज गॉट टेंटेड। यू हैव नेगेटिव थॉट्स, गिल्ट, सेल्फ डाउट, यू ऑल्सो अट्रैक्ट पीपल ऑल्सो हु क्रिटिसाइज यू एंड यू हैव गॉट दिस लो एनर्जी, मस्क्यूलर पेन, लोअर बैक पेन, कॉन्स्टिपेशन, किडनी, ब्लैडर, ऑल दीज इश्यूज, यही फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं विच हैपन बिकॉज ऑफ चक्रा ब्लॉकेज। आपके बॉडी में आज कहीं पर भी दर्द है, एनी वेयर इन योर बॉडी इज पेनिंग, वो चक्र ब्लॉक है। दिस पेन इज नॉट बिकॉज ऑफ योर सिटिंग पोस्चर, स्टैंडिंग पोस्चर, स्लीपिंग पोस्चर, बिकॉज ऑफ योर डीएनए, बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स, बिकॉज मैं ना 10 साल पहले गिर गया था। अब 10 साल पहले तो बॉडी तो पूरी रिजुवेनेट हो चुकी है, अभी भी दर्द क्यों है? सो अंडरस्टैंड कि बॉडी में कहीं पर भी दर्द है, चक्र ब्लॉक है। आज आपको लोअर बैक पेन है, आपको बॉडी में हमेशा थकान लगती है, आपको मस्क्यूलर पेन होता है, आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, आपको किडनी, ब्लैडर, सेक्सुअल इश्यूज हैं, दिस चक्र इज ब्लॉक। इमोशनली अ पर्सन फील्स लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, हैलुसिनेशन इस चक्र में होता है, बिकॉज ये चक्र वैसे भी काम दे इल्यूजंस का है, पर जब ये चक्र ब्लॉक हो जाता है तो हम भूत देखते हैं, हमें लगता है किसी ने हमारे पर ब्लैक मैजिक किया है, बट एक्चुअली ब्लैक मैजिक तो होता ही नहीं है, देयर इज नथिंग कॉल्ड ब्लैक मैजिक, तो वी इमेजिन एंड बिकॉज वी इमेजिन वी गो टू द राइट पर्सन हु सेज देयर इज अ ब्लैक मैजिक, क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम हीलर्स जो है दे डोंट हैव अ सॉल्यूशन, सो दे फाइंड इट वेरी कन्वीनियंट टू से कि तुम्हारे परिवार में कोई है हु इज डूइंग ब्लैक मैजिक, उनको सबसे ईजी लगता है, फाइंड इट वेरी ईजी, तुम्हारी एक आंट है, तुम्हारी चाची है, कोई ना कोई एक ऐसा रिलेटिव ढूंढ लेंगे, कोई लेडी ढूंढ लेंगे, है ना, और कह देंगे कि ये ब्लैक मैजिक कर रही है, क्योंकि सबसे आसान उनको वही लगता है, क्योंकि वो ग्रह को दोष दे दे के थक गए, राहु केतु कितना भी करोगे आप उसके अंगूठियां भी खरीद चुके हो, सबसे थक गए, उनकी सारी रेमेडी फेल हो चुकी है, अब वो कहते हैं एक को ब्लेम कर दो, वो तो सॉल्व होगा ही नहीं, क्योंकि ब्लैक मैजिक ऐसा डर है ना उसको भगा सकते। इट इज समथिंग लाइक आज अगर यहाँ पर एक रस्सी पड़ी हुई है और आपको लग रहा है कि वो सांप है, राइट, क्या आप उसको मार सकते हो? नहीं, क्योंकि रस्सी है। क्या आप डर भगा सकते हो? नहीं, क्योंकि सांप है। तो दोनों में फंस जाते हो। तो जब आपको ब्लैक मैजिक का डर होता है ना, आप रिलेटिव को बोल सकते हो, वो कहता है मैंने थोड़ी किया है, पर डर भगा नहीं सकते क्योंकि लगता है इसने किया है। तो ब्लैक मैजिक का डर जो है वो लोगों के अंदर ऐसा आ जाता है और फिर वो एक्चुअली इमेजिन करने लग जाते हैं। जब हम ड्रीम्स में बढ़िया बढ़िया चीजें देख सकते हैं, बढ़िया खाना इमेजिन कर सकते हैं, बढ़िया गोपिकाएं इमेजिन कर सकते हैं, तो भूत प्रेत तो बहुत ही ईजी, वेरी ईजी, तो फिर लोगों को लगने लग जाता है कोई है, कोई पीछे आ रहा है, ऑल दोस टाइप ऑफ स्टोरीज। बट अंडरस्टैंड देयर इज नथिंग कॉल्ड ब्लैक मैजिक बिकॉज द क्रिएटर हैज नॉट गिवन द पावर टू एनीबॉडी टू डिस्ट्रॉय, he has not given the power to anyone, there is nothing called black magic in this world, black magic is severe blockage of the swadhisthana chakra, right, to aur kaise blockage hota hai swadhisthana chakra mein bhi deeply jana humne shuru hi nahi kiya hai, abhi to hum aas pass ki kahaniyon ki baatein kar rahe hain,
इसके कारण हमेशा एक आदमी बहुत एंग्री रहता है, इरिटेबल रहता है, ही ऑलवेज हैज लॉट ऑफ नेगेटिव थॉट्स. फिजिकली ये सारे इश्यूज होते हैं एंड बिकॉज ऑफ दिस यू हैव लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, लॉसेस, अनफुलफिल्ड रिलेशनशिप्स एक्सेट्रा, एंड ऑल्सो यू अट्रैक्ट एनिमीज, कोर्ट केसेस एक्सेट्रा. Now, why does the Swadhisthan get blocked? अभी हमने जनरली बात की थी, it gets blocked, but these are the only four reasons why the chakra gets blocked. These are the four reasons. पहला है self doubt. What we did meditation? आज कोई भी situation में, if you were not able to handle the situation properly, or you had an adverse situation, you applied for a job, you didn't get it. Or you tried for your exams, you didn't get the required percentage. Or you were not able to get the desired success in a relationship. You start developing self-doubt. Aur iska solution kya hai? I have to be out of the picture. I have to work on my thinking, work on my doing. And I have to work on my willpower. That's it. Jab aap khud picture ke bahar aoge, solution samajh aayega. Okay? Second, disharmony. Disharmony is another reason why this chakra gets blocked. Disharmony means if often we are seeing negative relationships. Today a child who sees ki parents are always arguing between each other. Aaj agar ek spouse ko lagta hai ki hamesha my husband doesn't like me. He's all the time, you know, betraying me, or I'm not loved. So the person feels that I am not wanted here. I'm an unwanted child. I'm someone who is not wanted. I'm not loved. I'm not appreciated. I don't belong here. Because understand, ye chakra hai, Swadhisthan. You have to settle in your being. Aaj aap baar baar khud ko reject karte rahoge. कि आई एम नॉट लव्ड हियर, ये जगह भैया बहुत सेफ नहीं है, दिस प्लेस इज नॉट सेफ, डोंट कम हियर, हाउ कैन यू गेट सेटल्ड? ये सर नॉट, ये चक्र ही है स्वादिष्टान बीइंग सेटल्ड इन योर बीइंग. आप जब तक खुद को डाउट करोगे आप सेटल नहीं होगे. जब तक लगेगा कि ये जगह सेफ नहीं है मेरे लिए, आई एम नॉट लव्ड, आई एम नॉट वॉन्टेड, आई एम नॉट अप्रिशिएटेड. और ये होता है जनरली इन चाइल्डहुड. You found your mother not wanting you. You found your mother not loving you. You found your parents quarreling with each other. Or when you grew up, you faced lot of broken relationships where you were rejected. So you start feeling ki ye jagah is not safe for me. I am not wanted. I am not loved. What is the solution? Samajh to aa gaya. But what is the solution? What should we do about it? In childhood we feel my parents, they're not good to me. Or childhood we felt very unsafe. What is the solution? How can we come out of that negativity which is making us feel that we are not wanted? How can we come out? Kaise hum bahar aaye? Jo hamare andar ek voice continuously keh rahi hai ki you are not wanted, tu kya kar raha hai yahan par, ja, you are not wanted. What should you do about it? Yes? Face the situation. Face the situation. Face the situation. How? You can't tell them to want you. Yes, accept the situation. Huh? What you should be doing in such situation? कि सबसे पहले तो वो negativity को ऐसे कैसे release कर दो. Because देखो, how much ever you judge from all the angles, you can't find a reason. Your parents quarreling has nothing to do with you. Your mother is not giving you attention because it could be your definition, your identification, your reference. Maybe she didn't know how to love. Maybe she was born in such a place where she was taught this is the way. Maybe she gave all the time to things which she felt was a priority. And maybe you were a child always wanting attention. Maybe there were a lot of siblings. And she was not able to give you attention. So, सबसे पहले understand it is your definition. ये आपका definition, आपका reference है,
आपका आइडेंटिफिकेशन है कि दे डोंट लव मी, यस और नो? बी रेडी टू बिलीव कि पीपल आर गोइंग थ्रू स्ट्रेस. इफ माय पेरेंट्स आर गोइंग थ्रू स्ट्रेस तो नेचुरली दे विल फील कि बस इसका पढ़ाई देख लूं, इसका खाना पीना देख लूं, प्यार तो बाद में आता है, यस और नो? तो वी हैव टू अंडरस्टैंड, बिकॉज टू रियलाइज हु वी आर वी हैव टू रियलाइज हु वी आर नॉट. तो भगवान हमें सिचुएशन दिखाता है कि सी यू आर नॉट लव. कॉन्शियसनेस शोज अस टू रियलाइज दैट वी आर नॉट दिस, स्टिल वी आर स्टिल वी आर आज स्वाधिष्ठान चक्र में ईगो रहता है, ईगो, एक बड़ा सा ईगो रहता है हु डजंट वॉन्ट यू टू गेट स्टैब्लिश्ड इन योर बीइंग. और वो ईगो के तीन काम होते हैं. ईगो हैज थ्री वर्क ओनली. ईगो डज दिस. ईगो ऑलवेज रेफरेंसेस द पास्ट. इट टेल्स यू सी उस समय देख क्या हुआ था तेरे साथ. सी सी ईगो कंपेयर्स यू विद अदर्स. सी इसके पेरेंट्स कितना लाइक करते हैं, इसके स्पाउस इसको कितना लाइक करते हैं. इट कंपेयर्स, इट रेफरेंसेस द पास्ट एंड ईगो मेक्स यू डिपेंडेंट. आज इस ईगो एनर्जी के कारण यू आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट योरसेल्फ. एंड क्लेंजिंग द स्वाधिष्ठान चक्र मींस वीकनिंग दिस ईगो. डज द पास्ट हैव एनी रेफरेंस? इज पास्ट इंपॉर्टेंट? व्हाट हैपेंड इन चाइल्डहुड, इज इट इंपॉर्टेंट? इट वाज अ मूवी सेंट टू यू, मे बी यू कुडंट हैंडल इट, मे बी इट वाज अ सिचुएशन, इट वाज शोन टू यू, इट हैज नथिंग टू डू विद यू, यस और नो? बट व्हाट हैपेंस इज that when we develop self-doubt, when we start doubting ourselves, then what happens? We lose our self-esteem and then we become dependent on the other person. Aaj jin jin logon ka Swadhisthan Chakra weak hai, what they do? They start becoming dependent on other people. They feel, I don't love myself, I'm worthless. What they do is, they start depending on other people to appreciate them, to protect them, to be with them, to love them. They are all the time wanting security and safety of another person. They give so much to the other person to live this dependency. They become dependent on people and situations because they feel, main to kuch bhi nahi. So what they do? They sacrifice for that person. They set up a stage that that person can take advantage of. They set up that stage. Why do you become dependent? Because you don't know who you are. Maybe you are in a room, not maybe, you are in a room with a horse, giraffe, cat, mouse, tiger. Maybe your mother is a tiger and maybe you are a bakri. Maybe tiger is living like a tiger and you are a bakri. So understand, your mother is behaving as per her being, you are imagining as per your being. So it is your reference that she is not loving you. A tiger loves like a tiger, a bakri loves like a bakri. You might be very physical in your love, your mother might be just that I will bring khana and that is enough. But what happens is, because of this fear, kuch mere mein hi kam hai, you become dependent. The bakri becomes dependent on the horse or the giraffe. Then now you protect me, you take care of me, you appreciate me. Emotionally, physically, mentally, we become dependent on the other person to give us because we feel we don't have it. We set up the stage and then we feel, maine iske liye kitna kiya, still I was taken advantage of. Then we start having those feelings. So ego jo hai, this creates this. इट रेफरेंसेज द पास्ट कि देख तेरे साथ क्या क्या हुआ है. इट कंपेयर्स यू विद अदर्स कि देख यू आर लेस, देख इसने अचीव किया, इसने अचीव किया. यू आर नॉट सीइंग गुजरात का अचीवमेंट था, वो हॉर्स का अचीवमेंट था. कोई फिजिकली अच्छा है, कोई मेंटली अच्छा है, कोई सेंसरली अच्छा है. मैंने तो अभी तक अपने आप को पहचाना ही नहीं. मे बी आई एम एन आर्टिस्ट एंड आई एम स्टडिंग फॉर बींग एन इंजीनियर एंड पीपल आर कंपेयरिंग मी एज पर द मार्क्स, बट आई एम गोइंग टू शाइन एज एन आर्टिस्ट. So it is their definition that I am weak in my studies, I am weak in my performance.
आके उड़ती हुई चिड़िया को यू ब्रिंग एंड यू पुट हर इनसाइड अ बॉक्स, वो कितनी घबरा जाएगी, बौखला जाएगी ना, बिकॉज दैट इज नॉट हर एनवायरमेंट, यस और नो? पर आज एक जो कीड़ा है जो रहता ही जमीन के अंदर है, तुमने उसको निकाल के फ्री जगह छोड़ दिया, वो भी बखला जाएगा, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू बी इन दैट मक. सो एवरीबडी हैज गॉट देयर ओन एनवायरमेंट. सो टुडे यू आर फाइंडिंग टाइम टू सेटल बिकॉज इट इज नॉट योर एनवायरमेंट, बट रियलाइजिंग योर यूनिकनेस फॉर नाउ, इवन इफ यू डोंट नो कि मैं बकरी हूं, कि मैं शेर हूं, कि मैं हॉर्स हूं, at least accept yourself the way you are as of now. Say it will take time for me, it will take time, but I don't have to be dependent on anybody. I have to train my mind, I have to train my body, I have to train my senses. I will reach there, but let me not be dependent on anybody. A time will come when I will make my own environment. जो स्वादिष्ट बैलेंस होता है ना, तो आदमी अपना खुद का एनवायरनमेंट क्रिएट करता है. बकरी बकरियों के साथ रहती है, शेर शेर के साथ रहता है, चीता चीता के साथ रहता है, दे ऑल स्टे इन देयर ओन एनवायरनमेंट. यू स्टार्ट लिविंग विद पीपल हु थिंक लाइक यू, हु आर लाइक यू, सिमिलर, नॉट सेम, सिमिलर. इट टेक्स टाइम. सो अंडरस्टैंड टुडे कि जो आपको अंतर दिख रहा है कि मे बी आई एम नॉट गुड इनफ, मे बी आई एम लेस, because you are comparing. And can you compare to jeev? किससे compare करोगे? क्या आप हाथी और बकरी को compare कर सकते हो? किसमें? Body में? तो हाथी ज़्यादा है. दूध देती है बकरी. काम कौन ज़्यादा करता है? हाथी. तो compare कहाँ करोगे? किसमें compare करोगे? उसकी memory में compare करोगे? उसके usage में compare करोगे? उसके intellect में compare करोगे? Everybody, जितने लोग बकरी चाहते हैं, उतने लोग हाथी को चाहते हैं. Yes or no? So there is no comparison, no between one person and another. Just because the other person also has got two hands and two feet, why are you comparing? You have to understand that totally different person hai. That understanding will bring acceptance. Will bring acceptance of the other person and realize ki disharmony ho rahi hai. Kyunki bhai ek giraffe hai, wo ghode se lad raha hai. People are different. So that is why a time comes when you start aligning, इस person को क्या चाहिए, what I have to give, it has to align. Swadhisthan chakra is the chakra for unions. It is the chakra for correct alignment. Where you align, a customer aligns with the correct product. You align exactly to what the front person wants you. So for that we'll be doing a small thing on divine lessons of union. We'll be doing after this. But understand that these fears are coming because of comparison, referencing the past and dependency. And these are the four kind of fears. One is disharmony. So today understand, if you did not get along with your spouse or you did not get along with the other person, it is because the person is a different jeev, different being. So what you need to do, you have to accept that person, accept yourself, accept his unique identity, accept your unique identity. Yes or no? And after that, use communication to see where can you agree on. Communication is a very important part. Then you have to use communication that why have we come together? This is the work. This is what we need to do. What can you do? What can I do? We will communicate and get the work done. But understanding that he is unique and I am also unique will remove the fear of disharmony. That I am not wanted, I am rejected. Because the person ka taste alag hai. That is why he is not taking it. Doesn't mean you are not tasting. Yes or no? Next reason why this chakra gets blocked is because of dishonor. When we are rejected, when we are humiliated, when we are not given our due, in spite of working hard, we are not given our due. When people take advantage of us, we are betrayed in spite of being dependent on other person. So, हमारे अंदर एक dishonor की जो energy आती है, negative energy, it comes because we feel dishonor. But understand, did the person actually dishonor you? Yes or no?
anymore because I'm finding a better person, or this role requires something different and he's not delivering, if he removes you, is it a dishonor of that employee? No, because my taste is different. Yes or no? So if somebody has rejected you, doesn't mean you are less. Uska taste alag hai na? Yes or no? Aaj jab aap kuch khate ho, कभी किसी को आइसक्रीम पसंद है, गुलाब जामुन पसंद है, और किसी को बिल्कुल मीठा नहीं पसंद है, तो शुड द आइसक्रीम फील लो सेल्फ एस्टीम? यस, सो यू अंडरस्टैंड, अगर कोई पर्सन डिसऑनर कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, आपको 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 एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, आपका टेस्ट नहीं है, आपका टेस्ट उसके जैसा टेस्ट नहीं है, आपके टेस्ट मैचिंग नहीं है, यस और नो? तो यू हैव टू गो टू अ पर्सन जिसका टेस्ट सेम है. You should, maybe you are, आप गलत जगह ढूंढ रहे हो, मे बी आपका टेस्ट ही डिफरेंट है, यू हैव टू गो एल्सवेयर. पर हाँ, सोचोगे कि मुझे यहीं से ही टेस्ट लेना है, दैट इज योर ईगो. टुडे इफ यू लाइक अ पर्सन, यू लाइक अ वुमन एंड शी हैज रिजेक्टेड यू, बट यू लाइक हर एंड यू से आई वांट हर ऑन यू, कितना उसको फॉलो अप करोगे? रियलाइज कि उसका टेस्ट डिफरेंट है, मे बी देयर आर वंडरफुल गोपिकास ऑन दैट साइड. So you have to be ready to move on, no? That is what this ego says. It makes you dependent. मुझे यहीं से सब कुछ चाहिए, चाहे मेरा सिर फूट जाए, मैं बैंग कर करके मुझे यहीं से बिजनेस चाहिए, मुझे यही कस्टमर चाहिए. But try 2-3 times, नहीं होता है, move on. Move to different branch of customers. Maybe change your line. Maybe change the way you do things. Maybe go to a new set of people, new set of situation, new job, new profile. Be ready to see the situation from a bigger perspective. But ego जो है ना, वो आपको dependent बना देता है. It makes you dependent. कि मुझे यहीं से चाहिए, मुझे इसी बैल से दूध चाहिए. Ego makes you that clinging, that dependent. But जब आप ego को shed करते हो कि I am not in the picture, and you start looking, then why they are rejected? Then you know you will be able to see maybe they are not dishonoring me. I am not meant for that. Today, if you are a person who is dealing with products which are all discounted, very sturdy products but which are very discounted, you will invite those kind of customers who are looking for cheap kind of bargains. But if you go to a branded, आप एक बिल्कुल कोलाबा में बढ़िया दुकान खोल के बैठ गए और बहुत बड़ी दुकान खोल ली, पर वहाँ पर cheap, durable products sell करोगे, कौन खरीदेगा आपका product? Yes or no? So move your shop to the place, no? Move your shop to the town side where you will find the customers who will buy that product. So connection to correct hona chahiye na. So this feeling of dishonor, we have to understand, nobody in the world has got guts to dishonor us. Nobody. He is dishonoring kyunki uska taste jo hai mere se match nahi kar raha. So I have to see how to work on my taste. But in case of customers, it is fine. You can cut off yourself very easily. But in the family members, with the near and dear ones, what once you already got into the relationship and there you have frictions and the other person is not ready to listen only. So very good question. A family people, mein na, the day you accept that this person is this, then communication plays a good role. Problem is this only. We are trying to mold the person. How can he change? बच्चे नहीं बदलते आजकल. बच्चों को भी बिल्कुल वैसे एक्सेप्ट करो जैसे हैं, फिर कम्युनिकेट करो. वी हैव टू अलाइन टू देम. तो आज आपकी मदर लॉ एक टाइप की है, सिस्टर लॉ एक टाइप की है, हस्बैंड है क्या, तो दिस इज योर एनवायरनमेंट विच यू कांट चेंज. बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज गॉड सेंट एनवायरनमेंट. यू आर लर्निंग टू लर्न प्रोटेक्ट योर इंडिविजुअलिटी. सबसे बड़ी गलती हम करते हैं जब हम खुद बदल जाते हैं उनके लिए. Then we suffer. You should not change. Don't change. There is a lot of friction and one has to understand, no? Otherwise the friction will keep going on and on. But what is the content of the friction? First understand, friction to tabhi hoga when they say something and you are saying something else. Friction to tabhi hoga na. To maybe see ki jo aapka bone of contention hai, is it really important to hold on to? Maybe you are fighting over something which is not that important. Maybe you are just fighting over egos. So you have to see the bone of contention. So this kind of rational thinking will keep helping us. Yeah, how to deal with the people.
what helps us is, number one, you have to not lose your being. आपका being वहीं के वहीं होना चाहिए. In your family, in your relationships, you should not change yourself. कि just to please her, I will become like this. I will compromise. I will sacrifice. No, don't change your being. Being का मतलब है yes, being is a very pure thing. Being बहुत pure है. अपने being को mind और body मत समझो. Keep your being. And after that, you know, understand and respect and honor the being of the person who is in front of you. So when you respect their being and when you respect your being, after that see ki situation kya hai, what is the bone of contention, why are we fighting? Maybe we can use communication. You have to communicate. Most of the time the fights are because of ego. And communication plays a big role in this. Problem kab hoti hai? When we don't communicate. तो कहते हैं ना, या तो चेंज योर सेल्फ, नॉट चेंज योर सेल्फ, रादर एक्सेप्ट द सिचुएशन विथ हैप्पीनेस और चेंज इट विदाउट फियर. इधर एक्सेप्ट द सिचुएशन विथ ग्रैटिट्यूड एंड हैप्पीनेस कि ओके, आई अग्री, आई कम्युनिकेट, दिस इज व्हाट यू वांट मी टू डू एंड इट इज नॉट समथिंग वेरी डिफिकल्ट, आई एम रेडी टू डू इट, आई एक्सेप्ट इट विथ हैप्पीनेस एंड ग्रैटिट्यूड. और Change it, but then don't have fear. हम लोग क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं त्रिबीन के साथ और सालों तक बताते रहते हैं कि देखो तुम्हारे लिए मैंने ये किया. Today a lady has decided to be a housewife because घर में काम करना है, बच्चों का ख्याल रखना है. But they have decided, no? तो या तो शांति से रहो with gratitude कि it is my choice. Then don't whole time don't like this because of you, because of you, because of your mother. Then don't do that. Either accept it with gratitude or change it that no, I want to do a job. What can I do? I will manage the house also. I will do my duty also. I will do this also. Let us communicate. Maybe I can do something which is near the house. This is the timing. कहते हैं ना कि कालिदास की स्टोरी है कि कालिदास जो है he was supposed to be very less intelligence. बुद्धू जिसको कहते हैं, है ना? तो उनके साथ क्या हुआ कि ही फेल्ट के आई कुड नेवर स्टडी. तो उनकी कहानी भी यही थी कि उन्होंने आइडेंटिफाई कैसे किया था कि वो जिस लकड़ी पर बैठे थे ना उसी लकड़ी को काट रहे थे. ही वॉज कटिंग द सेम लकड़ी जिस पेड़ पे जिस पे बैठे हुए थे. तो ही वॉज आइडेंटिफाइड फॉर मैरिंग अ प्रिंसेस. द फाइनली व्हेन द प्रिंसेस फाउंड कि ये तो चीट हो गया, मेरी तो बुद्धों से शादी हुई है, सो शी रिमूव्ड हिम. उसको इतना इंसल्ट हुआ, बट ही डिडंट नो कि मैं इंटेलिजेंट कैसे बन सकता हूँ सो दैट द लेडी एक्सेप्ट्स मी. तो व्हेन ही वाज पासिंग बाय तो वो धोबी घाट से पास हो रहा था, तो वहां पर ही सॉ कि जो पत्थर है उस पे भी निशान पड़ गए थे, लकीरें पड़ गई थी. एंड दैट शॉक्ड हिम कि पत्थर जैसी चीज पे भी कपड़ा मार मार के उस पे लकीरें बन गई हैं, तो मेरा ब्रेन ट्रेन नहीं हो सकता. तो आज अगर आपके घर में कोई सिचुएशन है जो आपको लगता है आई हैव टू डू इट, दिस इज व्हाट आई वांट, यू हैव टू अप्रोच इट इधर से, इधर से, इधर से, इधर से. मे बी यू आर अ बकरी और सामने बड़ा सा घोड़ा है, तो यू हैव टू अप्रोच इट इन 20 डिफरेंट वेज. प्यार से, इधर से, उधर से, इधर से, मेनी मेनी वेज ऑफ कम्युनिकेशन. यू नो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू टू अप्रोच इट सो दैट द वर्क गेट्स डन. ईगो से अप्रोच हो गए कि नो दे डोंट लिसन टू मी, हमारी वृत्ति हो गई है, वी हैव डेवलप्ड एन इंप्रेशन दैट पीपल डोंट लिसन टू मी, आई हैव टू कॉम्प्रोमाइज एंड सैक्रिफाइस because I have married, because I am not working, then the thing will not get solved. But the day you be in your being and talk, communicate, give logics, logic ke saath to sab kuch solve ho jata hai. Chota sa bacche ko bhi logic hoga wo samjhega, but you have to give logic. Aajkal ke zamane mein bacche ko bhi nahi keh sakte jao aur ye karo, kehte kyun kyun, bachcho ko bhi logic nahi chahiye, sare bachcho ko. So understand, जब तक हमारे अंदर एक इंप्रेशन बन जाएगा, हमारा बीइंग टेंट हो जाएगा कि आई एम डिसऑनर, यू विल कीप ऑन अट्रैक्टिंग सिचुएशंस ऑफ डिसऑनर. आज हमारा बीइंग टेंट हो चुका है, सेल्फ डाउट से हुआ था, हमने उसकी मेडिटेशन की, अब मेरा बीइंग टेंट हो चुका है बिकॉज आई कॉन्स्टेंटली फील कि पीपल डिसऑनर मी. मैं इतनी मेहनत करता हूँ, पीपल डिसऑनर मी, मैंने एक स्टेटमेंट पास कर दिया है, सो बी इट. होता है, अच्छा खासा आदमी आता है वो भी डिसऑनर करके चला जाता है. तो बीइंग को क्लियर करें मेडिटेशन से. लेट्स गो.
चुकी है, पीपल इंसल्ट मी, लोग मेरा फायदा उठाकर मुझे यूज कर मुझे साइड में पकड़ देते, आई एम नॉट गिवन माई डिग्री, आई एम टेकन एडवांटेज ऑफ, पीपल रिजेक्ट मी, मेरे अंदर ऑलरेडी एक बींग ट्रेंड हो चुका है कि इन रिलेशनशिप्स पीपल आर टेकिंग ड्यू एडवांटेज ऑफ मी, बट टुडे इन द डिवाइन लाइट ऑफ लॉर्ड महामृत्युंजय, आई एम रेडी टू सरेंडर दिस वृत्ति, आई एम रेडी टू सरेंडर दिस नेगेटिविटी विच हैज स्टेन्ड माय बींग, इज इट आई एम रेडी टू सरेंडर दिस negativity which has stained my being because I have passed a definition on my being. मैंने खुद के बारे में definition pass कर दी. मैंने I have passed a definition on my relationships. But because I have passed a definition which relates to my being and my being is the creator. So मेरे आसपास जो situation आती है वो exactly वही होता है. But today I don't want it anymore. I want to look at every person like a person who is just me like a mirror. आज अगर मैं कोई चीज चाहती हूँ सामने वाला कोई चीज देने वाला होता है. I want to see that person in his whole purity, in his full essence. So today I am ready to cleanse this negativity, you know, of this honor from my being. Okay? Close your eyes. Today, I am vibrating with lot of fear of dishonor. I feel so negative against people. I feel so angry against the world. I feel like destroying this world. Why I am made to sacrifice? Why I am made to compromise? Why I am made to suffer? I am just not able to interact with relationships. I am not able to interact with people. I am not able to get my due. Today, in the divine light of Lord Mahamrityunjay, I am ready to surrender. I am ready to give up. I am ready to release all these fears of dishonor from my being. I am ready to release all these fears, all these impressions of dishonor. They happened in the past, but they don't define me. They happened because maybe there was something for me to learn, something for me to enhance my wisdom, something for me to enhance my doing, enhance my actions. But I tainted by being, thinking that this is what I am. I am not able to change the situation in my favor. Today, in the light of Mahamrityunjay, I am ready to release all the feelings of dishonor and negativity from my being. Focus on the tip of your toes. I release, release. I release all the feelings of dishonor from my lower legs. I release, release all the feelings of dishonor and negativity from my knees. I release, release all the feelings of dishonor and negativity from my thighs. I release, release all the feelings of dishonor. I release that people take advantage of me. I release I don't get my due. I release I don't get appreciation. I release I don't get the fruits of my hard work. I'm put down for no fault of mine. I'm rejected for no fault of mine. I release, release, release. I release completely from my red Muladhara chakra, which gives me stability and money in my life. I release, release all these feelings of dishonor from my red Muladhara chakra of stability and money from my life. I release, release all these feelings of dishonor from my orange Swadhisthana chakra located 2 inches below the navel. I release, release all these feelings of dishonor. People take advantage of me. I release. I release I don't get my due. I don't get appreciation. I don't get the fruits of my hard work. I'm rejected. I'm put down. I'm made to sacrifice. I'm forced to compromise. I'm made to suffer. I release, release. Relationships are not safe for me. Partnerships are not safe for me. Unions are not safe for me. I release, release. I release this fear. I release this fear of dishonor and negativity from my orange Swadhisthana chakra. I release this feeling of dishonor and negativity from my yellow Manipur chakra of my career and business. I release, release. I'm taken advantage of. I release. I don't get my due. I release. I don't get appreciation. I release. I don't get the fruits of my hard work.
fruits of my labor. I am put down for no fault of mine. I am rejected for no fault of mine. I release completely. I release this fear of being attacked, being rejected, being forced to compromise, being forced to sacrifice, being forced to suffer. I release this fear. Relationships are not safe for me. Partnership are not safe for me. Unions are not safe for me. I release this fear of losing unions. I release it completely from my yellow Manipur chakra. I release all these fears of dishonor. Fears of dishonor that are not allowing my desires to get fulfilled from my green heart chakra. I release this fear of dishonor. People take advantage of me. I am not getting my due. I don't get appreciation. I don't get the fruits of my hard work. I don't get the fruits of my labor. I release completely from my green heart chakra. I release all fears of dishonor from my blue Vishuddha chakra. I release all these fears of dishonor. People take advantage of me. I don't get my due. I don't get appreciation. I don't get the fruits of my hard work. I'm rejected for my labor. I'm put down for no fault of mine. I'm blamed, criticized, accused for no fault of mine. Release completely all these fears of dishonor from my blue Swadhisthana chakra. Release all these fears of dishonor completely from body. Not even body. Release these fears of dishonor completely from my room. I release this fear of dishonor completely from my house, from my spouse, my children, every single person living in my house. I release this fear of being dishonored, of being disrespected, of being rejected. I release completely. People take advantage of me. I don't get my due. I don't get appreciation. I don't get the fruits of my hard work. I'm put down. I'm attacked. I'm rejected. I'm blamed. I'm accused. I'm forced to compromise. I'm forced to sacrifice. I'm forced to suffer. Release all this fear, all this anger, all this anxiety, nervousness, rage, all this fear. Relationships are not safe. I release this fear of losing relationship. I fear this fear of losing favor. I release this fear of dishonor completely from my house. Whether it is good and bad, right and wrong, across all the 9 levels, I release this fear of dishonor completely from my house. I release this fear of dishonor completely from my society. From every single member, every single dimension, every single aspect of my neighborhood, I release this fear of dishonor. I release this fear that I am taken advantage of. People take advantage of me. People try to control me. People try to put me down. I don't get appreciation. I'm attacked. I'm blamed. I'm accused. I'm rejected. I release completely this fear of dishonor completely from my society. I release this fear of dishonor completely from my extended family. From every single person in my extended family, my contacts, my friends, relatives, in-laws, grandparents, cousins, I release this fear of being disrespected, of being dishonored. I release. People take advantage of me. They put me down. I don't get my due. I don't get appreciation. I don't get the fruits of my hard work. I release. I'm put down. I'm blamed, accused, criticized. I'm forced to compromise, forced to sacrifice, forced to suffer. I release. Relationships are not safe. I release the fear of losing relationships. I release the fear of losing favor. I release this fear of dishonor completely from my extended family and friends. I release this fear of dishonor and disrespect completely from my business, completely from my workplace, my juniors, my colleagues, my seniors, my boss, my customers, my vendors, my suppliers, every single aspect of my workplace, my role, my position, my profile, my work area. I release this fear of dishonor. I release this fear. I am taken advantage of. I don't get my due. I release. I release this fear. I release. I don't get appreciation. I don't get the fruits of my hard work. I don't get the fruits of my labor. I am put down. I am rejected for no fault of mine. I release this fear of dishonor. I release the fear. I am attacked. I'm rejected. I'm made to compromise. I'm forced to sacrifice. I'm forced to suffer. I release.
It is my identification, my reference, my definition in my family, in my society, in my extended family, in my contacts, in my workplace. This is my definition, my reference, my identification, my way of looking at things. I release all this anxiety, all this anger, all this rage, all this frustration, all this discontentment, all the disappointment. I release completely from every aspect of my job and business. I release this fear of dishonor, fear of being taken advantage of, fear of being disrespected, fear of not being given my due. I release it completely from my past. I release it. It is a memory of the past. I release it completely in the now. I release this fear of dishonor completely in the now. It was my reference, my identification, my definition. I release it completely. I release it completely from my city. I release this fear of dishonor completely from every aspect of my city. I release this fear of dishonor from every aspect of my state. I release this fear of dishonor from every aspect of my country, from every single person I know in the country, my friends, my customers, my supplier, my business. I release from every aspect of the country, from earth, water, fire, air, ether, from personal relationships, from professional relationships, from emotional relationships, from mental relationships. I release this fear of dishonor and disrespect completely from my country. I release this fear of dishonor and disrespect completely from the rest of the world. I release it completely from every corner of the rest of the world, from every single person, every single customer I know from the rest of the world. I release this fear of dishonor. I release the fear people take advantage of me. I don't get my due. I don't get appreciation. I don't get the fruits of my hard work. I'm put down. I'm rejected. I'm attacked. I'm blamed, criticized, accused. I'm forced to compromise. I'm forced to sacrifice. I'm forced to suffer. I release completely. Relationships are not safe. I release the fear of losing relationships. I fear the fear of losing favor. This is my identification.